अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डुआ सुहेल। तो आज हम बहुत मज़ेदार सी ड्राइंग बनाएंगे और अब ये ऑयल पेस्टल्स हैं और ऑयल पेस्टल्स क्रेयॉन दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑयल पेस्टल्स अभी मैं चूज़ कर रही हूँ रेड, ऑरेंज और बहुत सारे कलर्स। कलर्स के साथ साथ मैं बताती जाऊँ, पहले मैंने ये रेड कलर लिया है और पहले ये अप्लाई किया है। अब नेक्स्ट ये वर्मलिन कलर के नाम से कलर था, ये लिया है मैंने। अब ये ओखर के नाम से था, वो लिया है। उसके बाद अब ये एक येलो ऑरेंज कलर है, वो लिया है। ये तीनों कलर अप्लाई करके अब मैं टिशू ले रही हूँ और टिशू से इन सबको मैश कर दूँगी। ऑयल पेस्टल्स मैश करने के तीन तरीके होते हैं, वो मैंने इससे पहले वाली वीडियो मतलब अपने चैनल पे एक वीडियो में बताए हैं। तो उसी तरह से मैश करते हैं, एक टिशू से करते हैं, हाथ से करते हैं और कॉटन से करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर दो तरीके अप्लाई किए हैं, टिशू से और हाथ से। अब मैं एक्रेलिक्स लिया है और यहाँ पर मैं ब्लैक कलर यूज़ करूँगी। ब्लैक कलर से अभी ये ड्राइंग पूरी कंप्लीट करेंगे हम। उसके अलावा जो कलर्स यूज़ होने हैं वो कर दिए हैं। ब्लैक के बाद एक वाइट कलर यूज़ होगा। यहाँ पर मैंने ये माउंटेन टाइप कुछ बनाया और अब मैं यहाँ पर ट्रीज बनाऊँगी। ये माउंटेन टाइप बना के पूरा ब्लैक किया। अब मैं यहाँ पर ट्रीज बनाऊँगी और अब ट्रीज बनाने के बाद, अच्छा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि मज़ा आए। लास्ट में बहुत मज़ा आएगा, लास्ट वाली बहुत अच्छी बनी हुई है, तो पूरा देखें वीडियो को। और यहाँ पर मैं ट्री बना रही हूँ। ट्री बना के अब उसके बाद यहाँ से मैं एक पतला वाला ब्रश लूँगी और अब मैं यहाँ पर बर्ड्स बनाऊँगी। वाइट बनाने के बाद हम एक ब्लैक कलर का काम ख़त्म हो गया। अब मैं वाइट कलर लूँगी और वाइट से मैं बादल बनाऊँगी यहाँ पे। और बादल बनाते हैं, बादल बनाने के बाद शेड दूँगी माउंटेन पे ताकि माउंटेन नहीं लगे। और उसके बाद ये ग्रे कलर है, ये ग्रे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा हल्का सा उस साइड पे भी शेड आ जाए। यहाँ ब्लैक थोड़ा सा हट गया था तो ब्लैक कलर यूज़ किया है। अब मैं सेकंड ड्राइंग के लिए कलर ले रही हूँ और जी अभी है ये टेप हटा के हम थोड़ा स्पेस करके इस पर लगाएंगे। और अब सबसे पहले ब्लैक कलर लिया है, ब्लैक कलर करने के बाद ग्रीन कलर पर्शियन ब्लू कलर है और उसके बाद ये वायलेट कलर लेंगे और उसके बाद रोज़ पिंक कलर है। अभी रोज़ पिंक कलर अप्लाई कर रहे हैं और मैंने इनको ना बहुत ज़्यादा रफ़ टिशू से ब्लाइंड कर दिया था, तो ब्लाइंडिंग हल्के हाथ से होती है टिशू से, तो ये थोड़ा सा बिगड़ गया था। फिर मैंने दोबारा से ऑयल पेस्टल्स अप्लाई किए हैं। तो ब्लाइंडिंग के तीन तरीके हैं, वो मैंने पहले इससे पहले अपने चैनल पर जो वीडियो डाली थी, मेरे चैनल पर मिल जाएगी उन तीनों तरीकों की वीडियो। और ये मैं ब्लाइंड कर रही हूँ। मैं वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ, वाइट कलर इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि अच्छे से मैच हो जाएं बाकी कलर्स के साथ। एक्रेलिक्स लिए हैं मैंने, ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट है, ऑयल पेंट, तो मैंने वो यहाँ पे अप्लाई किया है। और ऑयल पेंट इसलिए अप्लाई किया है, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल पेस्टल्स पे अप्लाई कर सकते थे, फिर मैंने ऑयल पेस्टल्स से ज़्यादा ईजी समझा कि मैं डायरेक्ट एक्रेलिक्स अप्लाई कर दूँ। और फिर यहाँ पर हम दोबारा से ट्रीज बनाएंगे। ट्रीज बनाने के बाद अब मैं वाइट कलर का एक्रेलिक पेंट लूँगी। यहाँ पर मैंने मून बनाया है, मून बनाते हैं, वाइट कलर करते हैं मून में। और
अभी मून बन रहा है और मून बनाने के बाद अब हम बादल बनाएंगे। बादल हमेशा ऊपर से डार्क होते हैं, उसके बाद नीचे से लाइट एंड नाइट व्यू। नाइट व्यू में बादल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, मतलब बैकग्राउंड दिखना चाहिए आपका। तो ऊपर मैंने थोड़ा डार्क बनाया और नीचे फिर लाइट करके बनाया कि मेरा बैकग्राउंड दिखे। हल्का हल्का ब्रश मारे हैं ताकि माउंटेन पे थोड़ा शेड आ जाए नाइट व्यू का, मून का। तो अब मेरा जो एक्रेलिक था वो हट गया था यहाँ, तो मैंने दोबारा से ऑयल पेस्टल्स अप्लाई किए हैं। उसके बाद ट्रीज पे थोड़ा शेड दिया है। यहाँ पे मेरी बहन कौशल आई थी, बहुत मज़ेदार बना था, थैंक यू सो मच। और उसके बाद मैं अब यहाँ पर हल्का हल्का शेड दे रही हूँ ऑयल पेस्टल से वाइट कलर के। और अब हम मून पे थोड़ा सा शेड देंगे। अगेन थैंक यू सो मच फॉर खौसा। और अभी यहाँ पर हम मून पे शेड दे रहे हैं ताकि थोड़ी सी शेडिंग हो जाएगी लाइट की, मून लाइट की। और अब हम स्टार्स बनाएंगे। स्टार्स बनाने के बाद हम ट्रीज पे हल्का सा शेड देंगे। वो मैंने थोड़ी सी ओवर एफिशिएंसी करने के लिए कोशिश की थी लेकिन नहीं हुआ, तो मैंने ब्लैक ऑयल पेस्टल्स अप्लाई कर दिए पे। और अब यहाँ पर हम टेप हटा रहे हैं, मास्किंग टेप, और फिर ब्लेंड कर रहे हैं कॉर्नर से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो गिव दिस वीडियो द ह्यूज थम्स अप। और बहुत मेहनत की है, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।